बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव की वजह से भारत ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। मौजूदा हालात की वजह से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मुल्क छोड़ने की तैयारी में हैं। ये तस्वीर किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके की है, जहां बॉर्डर पार सैकड़ों की संख्या में लोग सरहद पर पहुंच गए हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा बल यानी SSB ने सीमा सील कर पहरेदारी को और भी कड़ा कर दिया है। बॉर्डर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SSB और पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक की है। इस मौके पर पूर्णिया के DIG विकास कुमार ने सीमा पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। कुमार ने बांग्लादेश की घटना को देखते हुए किशनगंज और अररिया पुलिस बल को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। नेपाल की ओर से आने वाले हर व्यक्ति के कागजातों को जांच की जा रही है। बांग्लादेश की घटना को देखते हुए विशेषकर किशनगंज जिला पुलिस और अररिया जिला पुलिस को एहतियातन सारी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सघन गश्ती करने, संदिग्धों पर निगरानी रखने और जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर आसूचना संग्रह करते हुए विधि व्यवस्था संधारण और निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त SSB और सीमा पर तैनात BSF के वरीय पदाधिकारी से भी संपर्क में है पुलिस। तो इस आलोक में कटिहार जिला को भी और पूर्णिया जिला को भी एहतियातन सारे सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया गया। भारत की सीमा पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों को रोककर ही भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। पंजाब केसरी TV के लिए किशनगंज से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।